हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम अभी अभी यानी कि कल ही समाप्त हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि 2020 के अंदर जो है वो वैकेंसी काफ़ी कम थी, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली गई थी। लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो एक नॉर्मल टू इजी रहा है, यानी कि मॉडरेट भी आप नहीं कह सकते, इजी ही रहा है। तो आपकी जो कट ऑफ है, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये UR कैटेगरी की है। SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ST कैटेगरी की, इसमें आप थोड़ा कम ही मान के चलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ। आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है वो 76 to 80, बिहार की 69 to 73, दिल्ली की जो कट ऑफ है वो 75 to 79, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो 300 कुछ वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होकर और भी कम हो जाएंगी। गुजरात के अंदर आपकी 70 to 74, गोवा के अंदर आपकी सबसे कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 51 to 55, हिमाचल प्रदेश में 70 to 77, हिमाचल प्रदेश में आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है। झारखंड आप देख सकते हैं 73 to 77, केरला आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 75 to 79, महाराष्ट्र जो कि पॉपुलर जोन है बैंकिंग के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पर 67 to 71, उड़ीसा के अंदर 72 to 76, और आपका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर बैंकिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं 72 to 76। उत्तर प्रदेश के अंदर जो IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 1000 समथिंग है, तो इसके अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो 70 तक, अगर आपके मार्क्स आपको लगता है एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक है तो 70 तक आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं या आपको लगता है कि आ जाएंगे तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं IBPS क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में तो आपको 10 से 12 दिन के अंदर जो है रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं बैंकिंग बोर्ड की पल पल अपडेट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।